महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो कुलपति कार्यालय के बाद धरने पे बैठ गए। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की राजनीतिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालयों के छात्रों का चुनाव नहीं किया गया। छात्रों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उचित जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आज छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया और कहा कि हम बड़े आंदोलन की भी चेतावनी देते हैं। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए धरने में बैठे हुए हैं। पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि छात्र संघ चुनाव क्यों बंद है, और बार बार कहता है प्रशासन बंद किया है, सरकार बंद किया है। और सरकार बंद किया है तो लिखित रूप से सरकार का आदेश दिखाए, जिला प्रशासन बंद किया है तो लिखित रूप से जिला प्रशासन का आदेश दिखाए। हमारा लिंग 2 या 15 का कहता है कि प्रत्येक वर्ष एडमिशन के समय छात्रों से 100 रुपया छात्र संघ के नाम पर लिया जाता है। आखिर 2 वर्ष चुनाव नहीं हुए तो 2 वर्ष का 20 लाख रुपया छात्र संघ का क्या हुआ? हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए बैठे हैं, अगर चुनाव विश्वविद्यालय प्रशासन की लिखित रूप से नहीं देता है तो ये धरना अंतिम रूप से अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। किससे मांग करते हैं आप? हम लोग वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मांग कर रहे हैं, उनका लिखित रूप से 2 साल में चुनाव नहीं हुआ तो जवाब तो दें। वो जवाब जो जवाब देंगे उसके बाद उस जवाब के हिसाब से हम लोग उच्च स्तरीय पर मांग किया जाएगा। आगे क्या करेंगे? अगर हमारे जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये लंबा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, और महीनों महीनों तक हम लोग बैठा रहेगा। जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाएगा हम लोग तब तक हिलेंगे नहीं। अगर अपने जान की आहुति भी देना हुआ इस बार तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।